हेलो फ्रेंड्स, आदर्श आईएएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको संस्कृत व्याकरण बता रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर आपको संस्कृत व्याकरण के कुछ टॉपिक बताए हैं। अभी यहाँ पे वर्ण विचार वाला टॉपिक हो चुका है और महेश्वर सूत्र के बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो आज हम लोग बात करेंगे संस्कृत में इत्संज्ञक वर्ण। ये इत्संज्ञक वर्ण होते क्या है, इनका सूत्र कैसे होता है और कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो इत्संज्ञक वर्ण होते हैं, इनका मेन जो उद्देश्य होता है वो हमारा होता है कि प्रत्याहार में ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रत्याहार। तो उससे पहले हमें इत्संज्ञक वर्णों के बारे में जान लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इत्संज्ञक वर्ण से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी हमारे टीचिंग्स एग्जाम्स होते हैं, चाहे आप एमपी टेट ले लीजिए या यूपी टेट, सुपर टेट, जो भी हमारे टीचिंग्स एग्जाम्स हैं उसमें इस तरह के संस्कृत में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग संस्कृत में इत्संज्ञक वर्ण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इत्संज्ञक करने वाले सूत्र, ठीक है। तो इस संज्ञा करने वाला सूत्र हमारा होता है हल्यन्तम। हल्यन्तम से हमारी इस संज्ञा होती है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि उपदेशावस्था जो अंतिम हल होता है उसकी इस संज्ञा हो जाती है, ठीक है। जो उपदेशावस्था में हमारा अंतिम हल होगा उसकी हमारी क्या हो जाएगी, इस संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इस संज्ञक वर्णों का लोप करने वाले सूत्र, मतलब कि इस संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला कौन से सूत्र होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका सबसे मेन सूत्र होता है तस्य लोपा। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है इस तरह से क्वेश्चन कि इत्संज्ञक करने वाला सूत्र क्या होता है, आपको ऑप्शन दे देगा तो उसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा सूत्र होता है तस्य लोपा, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें इसकी परिभाषा ये है कि जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। इत संज्ञा मतलब ये होता है कि जब वर्ण में हलंत लगा दिया जाता है तो वो हमारा इत संज्ञक वर्ण कहलाता है। और यहाँ पे इसका अर्थ ये लिखा है कि जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, मतलब कि वो गायब हो जाता है या उसे गिना नहीं जाता है, ठीक है। तो इसके उदाहरण में देख लेते हैं, लिखा है कि आई उड़ा में जो ड़ा है और रिली का में जो का है, मतलब उदाहरण के तौर पर आपको बताया गया जो हमारे जो 14 महेश्वर सूत्र हैं और इन 14 महेश्वर सूत्र में जो हमारे हलंत लगे हुए वर्ण हैं, ठीक है, जो लास्ट में आते हैं। आपने जब सूत्र पढ़े होंगे या इससे पहले वाला वीडियो महेश्वर सूत्र का देखा होगा, तो जो हमने 14 सूत्र आपको बताए हैं उसमें हर सूत्र के लास्ट में एक वर्ण ऐसा है जिसमें हलंत लगा हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, इनकी हल्यन्तम से इत संज्ञक होकर तस्य लोपा सूत्र हो जाता है, ठीक है। मतलब कि इनका हल्यन्तम सूत्र से इत संज्ञक हो जाते हैं क्योंकि इसमें हलंत लगा होता है और इनका सूत्र हो जाता है तस्य लोपा, ठीक है। तो अगर इसका सूत्र पूछा जाए तो हम लिखेंगे तस्य लोपा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद नोट में लिखा है कि प्रत्याहार वर्णों की गिनती में इत संज्ञक वर्णों की गिनती नहीं की जाती है। सबसे मेन पॉइंट यही है, यही आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहीं पे गलती हो जाती है। जब मैं प्रत्याहार बताऊंगी इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको बताऊंगी कि प्रत्याहारों की गिनती कैसे करनी है, ठीक है। और बहुत कुल 42 प्रत्याहार होते हैं लेकिन हमारे कुछ विद्वानों ने 44 प्रत्याहार बताए हैं, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल से एक एक प्रत्याहार बताऊंगी और उससे पहले हमारा इत्संज्ञक वर्ण के बारे में जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको पहले इसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो हमारा ये जो नोट लिखा है इस पर आपको विशेष ध्यान देना है कि प्रत्याहार वर्णों की गिनती में इत संज्ञक वर्णों की गिनती नहीं की जाती है, ठीक है। और अक्सर क्वेश्चन यहीं से गलत होते हैं, इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये लाइन आप बहुत ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद आता है हमारा उपदेश। देखिए उपदेश का अर्थ क्या होता है, उपदेश हमारा होता है कि जो हमारे जो त्रिमुनि हुए, सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको त्रिमुनियों के बारे में बताया था। हमारे त्रिमुनि हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ठीक है। तो ये जो हमारे त्रिमुनि हैं जिसका प्रथम उच्चारण किया, इन त्रिमुनियों ने जिसका प्रथम उच्चारण किया मतलब कि सबसे पहला उच्चारण किया, उसे व्याकरण शास्त्र में उपदेश कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि ये जो त्रिमुनि हुए इनके द्वारा जो भी सबसे पहले व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में उच्चारण कर दिया गया या बोल दिया गया वही हमारा उपदेश कहलाया, ठीक है। तो उपदेश की परिभाषा ये हो गई, ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं कि कहना क्या चाहता है। तो उदाहरण में है कि जैसे आई उड़ा रिली का आदि ये 14 महेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि ने दिए थे, आप सबको पता है, और इनके अलग अलग नाम भी हैं, ठीक है। कोई महेश्वर सूत्र कहता है, कोई प्रत्याहार सूत्र कहता है, कोई शिव सूत्र कहता है, ठीक है। तो आदि 14 सूत्रों को महर्षि पाणिनि ने महेश्वर सूत्र, ठीक है, प्रथम बार उच्चारण किया, तभी से ये 14 सूत्र शिव सूत्र, ठीक है,
इनके अलग अलग नाम मैंने लिख दिए हैं जिससे कि आपको दोबारा रिवाइज हो जाए, भी उपदेश कहलाए। ठीक है, मतलब कि हम महेश्वर सूत्रों को एक तौर से उपदेश भी कह सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे एक और नोट है, वो भी देख लेते हैं। इसके आगे है कि भू आदि धातु, मतलब कि हमारी जो धातुएं होती हैं, धातु लकार, ये सब आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ी होंगी। तो हमारी जो धातुएं होती हैं, जो भू आदि धातु होती है, महेश्वर सूत्र होते हैं हमारे, हमारे उणादि सूत्र होते हैं, वार्तिक होता है, आगम होता है, प्रत्यय होता है, लिंगानुशासन शासन और आदेश आदि, ये उपदेश माने जाते हैं। देखिए ये जो मैंने अलग से लिखा हुआ है नोट में, इसको आप बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नोट में हमेशा मेन चीज़ें ही लिखी जाती है। ठीक है, तो नोट में लिखा है कि भू आदि धातु, महेश्वर सूत्र, उणादि सूत्र, वार्तिक, आगम, प्रत्यय, लिंगानुशासन और आदेश, ये उपदेश माने जाते हैं। मतलब कि उपदेश के अंतर्गत हमारी इतनी चीज़ें आती हैं, तो ये हमारा उपदेश हो गया। ठीक है, इसका एक सूत्र भी लिखा हुआ है, मतलब कि श्लोक मान लीजिए, संस्कृत में लिखा है कि धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ यही है कि भू आदि धातु, महेश्वर सूत्र, उणादि सूत्र, वार्तिक, आगम, प्रत्यय, लिंगानुशासन और आदेश, ये सभी उपदेश माने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इत्संज्ञक वर्ण हुए। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रत्याहार के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, इससे पहले आप ये वाला वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि प्रत्याहार समझने के लिए हमें इस संज्ञक वर्णों का आना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ, जिससे कि आपको प्रत्याहार का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।